फ्रेंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सिद्धार्थ भाटिया और मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा दिया था, मैंने आपको पोलिनेशन पढ़ा दिया था, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन पढ़ा दिया था, मैंने आपको एजेंसीज ऑफ पोलिनेशन पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एडोप्टेशन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, कि सेल्फ पोलिनेशन के लिए क्या क्या एडोप्टेशन चाहिए। सेल्फ पोलिनेशन में पहली वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। सेल्फ पोलिनेशन दो तरह का होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक तो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा कि सर बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर रहते हैं तो पोलिनेशन दोनों के बीच में हो जाएगा, ठीक है। और एक सेकंड केस क्या पढ़ाया था मैंने, गेटेनोगेमी का। सेकंड केस में क्या बताया था मैंने कि सर फ्लावर तो अलग अलग रहेंगे, मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है और प्लांट सेम है, तो मेल फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उड़ के कहां जाएगा, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे। बट क्या सेम है, प्लांट सेम है। यहां पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं होमोगेमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोगेमी, के सर मैच्योरेशन ऑफ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एट द सेम टाइम। होमोगेमी में मेल और फीमेल दोनों गेमिट सेम टाइम में मैच्योर होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम टाइम में मैच्योर होंगे, के सर जैसे जैसे मेल गेमिट यानी कि स्टेमर मैच्योर होएगा वैसे वैसे ही पिस्टिल भी मैच्योर होगी, ठीक है। यूनि के सर पिस्टिल पहले मैच्योर हो गई है और स्टेमन बाद में मैच्योर हो रहा है, तो किसी दूसरे के एंथर्स दूसरे के पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दोनों सेम टाइम में मैच्योर होंगे, दोनों सेम टाइम में मैच्योर होंगे और जैसे ही मैच्योर होंगे वो आपस में क्या कर लेंगे, पोलिनेशन कर लेंगे। गॉट इट। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में होता है क्लोज्ड फ्लावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड फ्लावर, के सर मेल और फीमेल गेमिट, मेल और फीमेल गेमिट क्लोज्ड रहेंगे। जब एक बात बताओ, मेल और फीमेल के ऊपर एक कवर रहेगा तो दूसरे पोलन ग्रेन्स आ ही नहीं पाएंगे, जब दूसरे पोलन ग्रेन्स फीमेल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो क्रॉस पोलिनेशन होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी जीरो। गॉट इट। मेल और फीमेल ऑर्गन्स आर कवर्ड विद अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, और जब बैग लाइक स्ट्रक्चर से द मेल एंड फीमेल गेमिट्स आर कवर्ड, देयर इज नो चांस ऑफ अनदर फ्लावर्स पोलन ग्रेन विच कैन रीच ऑन इट, तो प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई क्रॉस पोलिनेशन की। और मिराबिलिस जालपा, जिसको सब सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है मिराबिलिस जालपा। इसमें क्या होता है कि सर इसमें एंथर जो है वो स्टिग्मा के ऊपर बैंड हो जाता है, सेम फ्लावर का है ना, तो एंथर जब स्टिग्मा के ऊपर बैंड हो जाता है तो एंथर से निकलते हैं पोलन ग्रेन्स डायरेक्ट किसके ऊपर चल जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर, तो दूसरे एंथर के स्टिग्मा से इस दूसरे एंथर के पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे आने का सवाल पैदा होता ही नहीं है, जब मिराबिलिस जालपा के एंथर फीमेल के ऊपर क्या कर जाएंगे, बैंड कर जाएंगे, जब बैंड कर जाएंगे तो वहीं के वहीं पोलन ग्रेन्स को वो क्या कर देगा, डस्टिंग कर देगा। ये तीन इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैंने आपको सेल्फ पोलिनेशन के बताया, जहां पे क्रॉस पोलिनेशन होने के चांस ही नहीं है, ये प्लांट्स ने अपने अंदर ही अडॉप्टेशन कर रखे हैं। याद कर लेना, एग्जाम में पूछेंगे 100% कह रहा हूं, 2 marks का क्वेश्चन आएगा ये। ओके, थैंक यू।